Why didn't I flinch? Because the laws of science differ fundamentally from those of... So, तुम में से कुछ लोगों को पता नहीं क्यों इस स्पेस साइंटिस्ट बनने का बहुत कीड़ा अंदर से बाहर आ रहा है. काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे हाउ टू बिकम अ स्पेस साइंटिस्ट. तो जरा इस कंफ्यूजन को क्लियर कर देते हैं कि ये स्पेस साइंटिस्ट होता क्या है, बनना भी चाहिए, या जितनी जो कूल लाइफ हम यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या कहीं भी तुम देख कर आते हो तो उसके बाद तुमको जो मन में ये चुल होती है ना कि स्पेस साइंटिस्ट बनना है, एस्ट्रोनॉमर बनना है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है, कॉस्मोलॉजिस्ट बनना है. यहाँ मैं ज्ञान की बात कर ठीक है, रिपीट. ये जितनी भी चीजें हैं इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, एक रियलिटी चेक देते हैं तुमको, ताकि तुमको पता चल जाए कि स्पेस साइंटिस्ट या जो भी तुम एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट एस्ट्रोफिजिसिस्ट हो गया, डू यू रियली वांट टू बिकम दैट? बिकॉज आई एम टेलिंग यू दैट लाइफ इज नॉट इजी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इन दिस वीडियो by figuring out why you should try not to become a space scientist. So, सबसे पहली बात, let's clear the basic doubt कि space scientist होता क्या है. Well, अगर तुमको पता है, they are basically those people, those physicists, chemists or biologists or even mathematicians जो figure out करते हैं universe की कुछ ऐसी mysteries जो space से related है, यानी कि earth के atmosphere से बाहर जाने पर जो भी चीज़ें हैं, either that has to do with planetary studies or you are studying the chemistry of some other things, some other planets, वहाँ पर क्या chemical compositions हैं, planetary orbits कैसे change हो रहे हैं, black holes कैसे form होते हैं, quasars, pulsars, nebulas, everything that has to do with astronomy, मतलब astro से जो भी related चीज़ें होती हैं उसकी जो भी study करता है, that has to do with space science. ठीक है, तो पहली बात तो ये हुआ. दूसरी बात, अब आपको ये बनना है तो मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करूंगा और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के लिए भी सिमिलर पाथ होने वाला है. सो सबसे पहली चीज टू बिकम एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट इज टू डू द फॉलोइंग. आप एक बीएससी या बीएसएमएस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम परस्यू करो एंड गेट अ डिग्री इन फिजिक्स. वंस यू हैव दैट एंड यू हैव स्पेशलाइजेशन इन टू फिजिक्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू फॉलो दैट पाथ इन टू योर PhD. अब अगर तुम डायरेक्टली बोलोगे कि मुझे स्पेस साइंटिस्ट बनना है, देर इज नो सच वे टू डू दैट, तो 11वीं 12वीं में तुम रहकर अगर सोच रहे हो कि मैं स्पेस साइंटिस्ट बन जाऊंगा तो थोड़ा मुश्किल है. डेफिनेटली सेल्फ स्टडी करके अपने आप को उस कॉन्सेप्चुअल लेवल तक, उस औकात तक ला सकते हो, बट प्रॉब्लम सिर्फ ये रहेगा कि तुम्हारे पास एक डिग्री नहीं होगी. एक डिग्री का बस इंपॉर्टेंस यही होता है, वो तुमको दुनिया के सामने सर्टिफाई कर देता है कि हाँ भाई मैंने मेहनत की है और ये मेरी मेहनत का प्रमाण है. पर जरूरी नहीं है हर बंदा जिसके पास डिग्री हो वो पढ़ा लिखा और अकलमंद ही हो. क्या बोला तूने? डिग्रियां अक्सर ऐसे ही मिल जाती है. तू समझा? हाँ. नहीं, तू समझा नहीं. तो खैर, कमिंग बैक टू द लॉजिक, कमिंग बैक टू द कॉन्टेंट, अगर आपको एस्ट्रोफिजिक्स परस्यू करना है या थियोरेटिकल एस्ट्रोफिजिक्स में जाना है तो आपको दो चीज़ों में डिफरेंस पता होना चाहिए. एक होता है ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोफिजिक्स. तो ऑब्जर्वेशन में आप ये नहीं करते हो कि आपने टेलीस्कोप लगाया, एक आंख से ऐसे नीचे से करके देखते हो, गैलीलियो का जमाना गया. नाउ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी हैज टू डू विद डेटा एनालिसिस एंड सेंडिंग प्रोब्स एंड टेलीस्कोप्स इनटू द स्पेस एंड स्टडीइंग देयर डेटा. And that has to do with a lot of computer programming, machine learning, और काफ़ी सारी advanced technologies इसमें involved हैं. Quantum computation का भी use किया जा रहा है. In fact, मेरे खुद के एक senior, whose name I will not mention, is working at Max Planck Institute for Astrophysics. There he is pursuing his master's thesis right now from IISER Berhampur, and he is learning techniques of quantum computation to enhance those techniques जिनके use से हम space satellites को एक दूसरे के साथ connect करते हैं, relate करते हैं, और उनके correlations और जितने भी relays होते हैं, जितने भी messages होते हैं, उनको हम study करते हैं. So he's doing very interesting work. तो उसके लिए उन्होंने obviously directly तो कोई path नहीं लिया था. He had to pursue his BSMS degree. उसके बाद उन्होंने master thesis करने का सोचा है, and then only finally he's doing this master thesis. And बाद में PhD करने का मन करेगा तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप startup भी start कर सकते हो. फिजिक्स डिग्री करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो. जो दिस हैज़ टू डू विद योर पर्टिकुलर केस कि आपको एस्ट्रोफिजिक्स परस्यू करना है. थ्योरेटिकल करोगे तो बिल्कुल अलग दुनिया है. इट्स जस्ट मैथ विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ऑफ फिजिक्स. वहाँ पर आप बहुत सारा भर भर कर मैथ सॉल्व करोगे, मॉडल्स बनाओगे फर्स्ट प्रिंसिपल सेकेंड प्रिंसिपल से, सारा दिन बैठ कर पेपर्स पढ़ोगे, एंड देन यू विल इन्जॉय टीचिंग, लर्निंग, कमिंग अप विद न्यू थियोरीज
फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, वो है ओपेनहाइमर का एग्जाम्पल. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन और वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिन्होंने बताया था दैट ब्लैक होल्स मस्ट एग्जिस्ट और कैन एग्जिस्ट. तब तक ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ था, बट ही वॉज वन ऑफ दोज theoreticians who theorize that black holes or such objects, such exotic cosmological objects must exist. So, एक theoretician का काम वही होता है. अब तुम बोलोगे उन्होंने तो बॉम्ब बनाया था, but he was not one of those people who created the bomb, he led the team. तो ठीक है, थोड़ी थोड़ी details हैं. Okay, so I hope तुमको clear है कि astrophysicist, cosmologist, astrobiologist, astronomer, जितनी भी ये एस्ट्रो से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसमें अगर तुमको बहुत हाइप है ना मन में कि मुझे करना ही करना है, देन इट्स ओके. आई मीन इट्स समथिंग दैट यू शुड परस्यू एनी हाउ. अगर तुमको फिजिक्स में इंटरेस्ट है इन जनरल, यू वांट टू स्टडी नेचर एंड वांट टू डू इट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, देन आई वुडंट स्टॉप यू. बट माइंड दैट कि लाइफ थोड़ी सी मैथमेटिकल होगी और मैथ से डरना नहीं है. मैथ शुड बी अ गुड फ्रेंड आफ्टर ऑल. मैथ इज द वे एज वी अंडरस्टैंड यूनिवर्स और यू नो नेचर टेल्स अस दैट दिस इज मी, यू नो दिस इज हाउ यू शुड डिस्क्राइब मी. So if you want to be that person who can go and take that next step to pursue that particular field in physics, then I would say it's okay, go ahead, nobody's stopping you, and in fact we are here to help you. So I hope तुम्हारे मन में वो छोटा सा जो कीड़ा था ना वो physics का, वो मरा नहीं है, उसको जिंदा रहने दो. अगर तुमको बहुत interest है physics pursue करने में, then you can follow us or we can keep guiding you into this particular field, because you see I too am walking that path. मैं भी physics ही pursue कर रहा हूँ, मुझे तो बड़ा मजा आता है. जिंदगी कड़वी है बट ये जो passion है, passion being that pain that I enjoy, I really love that. So with this we come to an end. अगर तुम्हारा एंथुसियाज्म खत्म नहीं हुआ है, देन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिसिस्ट. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना. चुनिए साई एस्ट्रा और करें अपने IIT एंड नेस्ट का सपना साकार. डाउनलोड द ऐप नाउ.